हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता जौहरी और ममता जौहरी ब्लॉग में आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने फ़िलिप्स इंडक्शन का फुल रिव्यू वीडियो बनाया है एंड फ़िलिप्स इंडक्शन पर टाइमर कैसे सेट करें। उस पर कई व्यूअर का ऐसा क्वेश्चन आया कि चाय कैसे बनाएं या हमारी चाय उबल जाती है तो चाय ना उबले। मेरे किसी व्यूअर को कोई प्रॉब्लम ना आए, उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, तो आइए बना लेते हैं फ़िलिप्स इंडक्शन पर अदरक इलायची की ज़बरदस्त चाय, जो इन सर्दियों में हम सब की खास ज़रूरत होती है। मेरा फ़िलिप्स इंडक्शन, हाँ ये बना लेते हैं। इसके लिए मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है। हम लोग बनाएंगे बढ़िया सी। इसके लिए मैंने दूध और पानी को मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, ये है इंडक्शन का कंट्रोल पैनल, इसमें ऑन ऑफ का बटन। मैं इसको ये पुश कर रही हूँ और मैनुअल पुश कर रही हूँ। ये 1000 पे है, मैं इसको 1300 पे ले जा रही हूँ। यहाँ पे हम अपनी चाय बॉईल करेंगे। हमें अपनी चाय फटाफट बनानी है तो 1300 से स्टार्ट करते हैं, और फिर अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम कि हमारी चाय उबले ना, उबाल निकल ना जाए, तो हम इसको 120 पे बाद में सेट कर देंगे। अब हम इसको कम कर देते हैं। एक पे ले आई हूँ मैं, तो मैं इसमें अपनी शुगर ऐड कर लेती हूँ। अदरक और इलायची का अच्छा सा फ्लेवर आए इसके लिए मैं ये इसको थोड़ी देर बॉईल होने देंगे। फ्रेंड्स, मैंने देखिए 1300 पे इसलिए सेट किया था कि हमारी चाय जल्दी बन जाए, और हम लोग सब लोग हमेशा जल्दी में ही रहते हैं। अब हमारी चाय में बॉईल आ रहा है, मैं इसमें चाय की पत्ती ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। और एक सेफ तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि चाय हमारी कभी भी उबले ना। तो जब भी हमारी चाय बॉईल हो रही है और हम इधर उधर हैं थोड़ा सा, तो 120 पे इसको ऐसे सेट कर देते हैं। फिर हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारी चाय बर्तन के बाहर नहीं निकलेगी, उबलेगी नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी बढ़िया सी चाय बन रही है। क्योंकि हम लोग यहीं पे खड़े हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, तो हम पावर तेज भी कर सकते हैं, वॉट। और चाय जब धीमे धीमे खौलती है, उबलती है, तो चाय का अच्छा सा फ्लेवर हमको मिलता है। इसलिए चाय बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए क्योंकि चाय का पूरा फ्लेवर हमें मिल पाए। और हमारी चाय अच्छे से बॉईल हो गई है, इसकी मैं आप लोगों को एक पहचान बताती हूँ। जब चाय हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है तो जो चाय की पत्ती के दाने होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। आप अगर कभी बिना छन्नी के भी आप चाय छानेंगे तो आपकी चाय की पत्ती बिल्कुल पूरी की पूरी नीचे बैठी रहेगी, अगर हमारी चाय अच्छे से बॉईल हो गई है। देखिए, मेरी चाय में कोई पत्ती नहीं दिख रही है क्योंकि मेरी चाय अच्छे से बॉईल हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब मैं अपनी चाय को छान लेती हूँ। और इंडक्शन का पावर ऑफ कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोगों को बताया सेम वैसा ही है कि मेरी छन्नी में आप देखिए
मेरी आप छन्नी चेक करिए, इसमें कोई पत्ती नहीं है, सिर्फ इसमें अदरक है और इलायची है। पत्ती सारी इसमें देखिए नीचे बैठ गई, क्योंकि मेरी चाय अच्छे से बॉईल हुई थी। अगर चाय आपकी अच्छे से बॉईल होगी तो आपकी सारी पत्ती नीचे बैठ जाएगी। फ्रेंड्स, ये है सर्दियों की स्पेशल अदरक इलायची की गर्मा गर्म चाय आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए ममता जौहरी ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।